कोरोना महामारी को हराने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन से जुड़ी लगातार कई खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में धनबाद जिले के सदर अस्पताल से वैक्सीनेशन से जुड़े लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें टीकाकरण के दौरान धनबाद सदर अस्पताल में एक महिला को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाना था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे कोविशील्ड का टीका लगा दिया, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। फिलहाल महिला को चिकित्सकों की निगरानी में अस्पताल में रखा गया है। हालांकि टीका लगने के बाद महिला के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं दिख रहा। महिला हीरापुर की कुंती शर्मा बताई जा रही है। डोज पर वैक्सीन लिए थे, सेकंड डोज में लोग को भी सील दे दिया, सारा कागज दिखाने के बाद, ये जो स्लिप है दिखाने के बाद, अब 5 बजे सुबह से यहाँ हम बैठे हुए आके, उसके बावजूद भी लोग कुछ इतना लापरवाही कर रहे हैं। डॉक्टर क्या बताओ, डॉक्टर क्या बताओ, कोई बात नहीं, ना कोई देखने आ रहा, ना कोई कुछ कर रहा है। हमें बोला जा रहा है, हम ही लोग को ब्लेम दिया जा रहा है कि आप लोग का गलती है, जो दे रहा उन लोग का गलती होना चाहिए ना, वो क्या समझ के दे रही है, हम लोग को तो पता नहीं है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की इस लापरवाही से जिले में लोग सकते में हैं। मरीज से परिजन बोल रहे हैं कि कोविशील्ड के कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड पड़ गया है, तो हम अभी उसका जानकारी जुटा रहे हैं। हल्के पेशेंट से मेरी बातचीत हुई, पेशेंट एकदम ठीक है, उनको पता है, और अभी ये तो जाँच का विषय है, जाँच करने के उपरांत ही पता चलेगा कि इसमें क्या है, सच्चाई है, और सारा जानकारी हम लोग जुटा रहे हैं, सारा सच जुटा रहे हैं। अगर ऐसा कहीं भी लापरवाही या कुछ ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जांच का विषय है, जांच हम लोग कर रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।